नमस्कार अजस्ट्रो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ ईशा, अजस्ट्रो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूँ। आज की तारीख है 13 जून और वार है मंगलवार। हम बात करेंगे सोयाबीन के बारे में, जिसमें क्रशिंग स्वदेशी वनस्पति तेल उद्योग व्यापार क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था द्वारा सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा की नवीनतम मासिक रिपोर्ट में कुछ जानकारी दी गई है। शुरुआत करते हैं शो की। सीजन के शुरुआती 8 महीनों में 77 लाख टन सोयाबीन की क्रशिंग स्वदेशी वनस्पति तेल उद्योग ने की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू मार्केटिंग सीजन के शुरुआती 8 महीनों में यानी अक्टूबर 2022 से मई 2023 के दौरान देश में कुल 77 लाख टन सोयाबीन की क्रशिंग हुई, जो 2021-22 की सीजन की समान अवधि की क्रशिंग 55.75 लाख टन से 21.25 लाख टन ज्यादा रही है। सोपा के मुताबिक चालू सीजन के दौरान अक्टूबर में 8 लाख टन, नवंबर में 12 लाख टन, दिसंबर में 12.50 लाख टन और जनवरी में 11 लाख टन और फरवरी, मार्च और अप्रैल में 9-9 लाख टन और मई की बात करें तो मई में 6.50 लाख टन सोयाबीन की क्रशिंग हुई। मार्केटिंग सीजन समाप्त होने में 3.5 महीने का समय अभी भी बचा हुआ है। सोपा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 के मार्केटिंग सीजन में 25.15 लाख टन के बकाया स्टॉक से 124.11 लाख टन के उत्पादन और 5 लाख टन के संभावित आयात के साथ सोयाबीन की कुल उपलब्धता 154.26 लाख टन पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे 13 लाख टन सोयाबीन का स्टॉक अगली बिजाई के लिए आरक्षित रखा गया है, जबकि शेष 143.26 लाख टन का स्टॉक विपणन के लिए उपलब्ध होगा। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश और दुनिया की सारी खबरें दे सकें। वहीं करीब 91 लाख टन सोयाबीन इन 8 महीनों में यानी कि अक्टूबर 2022 मई 2023 के दौरान घरेलू मंडियों में पहुंच गया। इसकी आवक अक्टूबर में 17 लाख टन, नवंबर में 20 लाख टन, दिसंबर में 13 लाख टन, जनवरी में 11 लाख टन, फरवरी में 10 लाख टन, मार्च में 6 लाख टन और अप्रैल और मई में 7-7 लाख टन की दर्ज की गई है। बात करें 2021-22 के सीजन की समान अवधि की तो 70 लाख टन सोयाबीन की आवक हुई थी। 1 जून 2023 को उत्पादक स्टॉकिस्टों और मिलर्स के पास कुल 59.58 लाख टन सोयाबीन का स्टॉक मौजूद है। अक्टूबर 2022 से मई 2023 के 8 महीनों में कुल मिलाकर 80.33 लाख टन सोयाबीन की खपत हुई, जिसमें 77 लाख टन की क्रशिंग, 3.15 लाख टन का प्रत्यक्ष उपयोग और 18,000 टन का निर्यात शामिल दिखाया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान देश में 61.85 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ। इसके तहत अक्टूबर में 6.43 लाख टन, नवंबर में 9.64 लाख टन, दिसंबर में 10.4 लाख टन, जनवरी में 8.84 लाख टन, फरवरी में 7.23 लाख टन, मार्च में 7.23 लाख टन, अप्रैल में भी 7.23 लाख टन और मई में 5.22 लाख टन का उत्पादन शामिल था। पिछले सीजन के आरंभिक 8 महीनों में केवल 44.50 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन हो चुका था। सोपा के मुताबिक इस बार विदेशों से केवल 5,000 टन सोया मील मंगाया गया है, जबकि इन 8 महीनों में देश से इसका निर्यात उछलकर 14.53 लाख टन पहुंच गया। इसी तरह कुल घरेलू उपयोग भी बढ़कर 48.75 लाख टन पर पहुंचा। इसमें फीड निर्माण उद्योग में 42.50 लाख टन और खाद्य उद्योग में 6.25 लाख टन का इस्तेमाल हुआ है। वहीं 1 जून 2023 को उद्योग के पास 1.9 लाख टन सोया मील का स्टॉक मौजूद था। दोस्तों, आज एस्ट्रो मनी गुरु ब्यालस कम्युनिटीज़ पर काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको हर जानकारी देता है। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।